शाहनवाज हुसैन, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं सीधे सीधे, और वो कह रहे हैं हम आंदोलन के लिए बैठे रहेंगे, सरकार को बिल वापस लेने पड़ेंगे, बोले शाहनवाज हुसैन, अब क्या करेंगे? देखिए हनान मुल्ला साहब हमारे साथ पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, सीपीएम के नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का पक्ष पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर रखते रहे हैं। इस बार जब आंदोलन, पहले ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे, अभी किसान नेता के तौर पर आपने उनको बैठाया है या सीपीएम नेता के तौर पर, ये आपका पक्ष है क्योंकि लिख आप सीपीएम नेता लिख रहे हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है जिनके नेता माननीय जनाब हनान मुल्ला साहब हैं, उनसे बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कि पहली सरकार है जो जब चाहे दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए। आपको बातचीत के लिए बुलाया गया लेकिन आप जिद पे अड़े हैं कि नहीं साहब हम बातचीत करेंगे ही नहीं, फिर आप जाते क्यों हैं बातचीत के लिए? आपने कहा कि नहीं कानून वापस ले लो, सरकार ने कहा आपका दो एतराज, न MSP खत्म होगी न मंडी खत्म होगी, मंडी भी मंडी रहेगी, MSP भी रहेगी, आढ़ती भी रहेंगे। अब आप आढ़ती का भी पक्ष रखें, अच्छी बात है, आढ़ती होने चाहिए, आढ़ती कहाँ खत्म हो रहे हैं, अगर CPM चाहती है कि आढ़ती रहने चाहिए तो आढ़ती रहेंगे, लेकिन अगर एक किसान अनाज पैदा करता है तो आप कहते हैं कि ट्रेडर नहीं बनना चाहिए, आप तो दादा ट्रेड यूनियन के भी लीडर हैं, क्या आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई किसान अपना आलू पैदा करता है और या उस वो गेहूं पैदा करता है या चावल पैदा करता है, अगर उसको वो अच्छी कीमत मिल रही है तो वो मंडी में नहीं जाकर अगर बाहर जाता है तो इस पे क्या एतराज हो गया? हमें अधिकार है, मैं भी एक किसान घर का बेटा हूं, बहुत ज्यादा जमीन नहीं है लेकिन कभी हमारे यहाँ कुछ ज्यादा पैदा होता है, हमारे यहाँ बिहार में आलू बहुत पैदा होता है, लोग कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं कि दाम बढ़ेगा कोई, और उसके बाद अगर जब दाम बढ़ता है तो उसकी मर्जी होती है, जब चाहता है निकाल के बेचता है। किसानों को इसमें काटा क्या गया हाथ? क्या मंडी खत्म करने का प्रस्ताव है? क्या MSP खत्म करने का प्रस्ताव है? आप लोगों ने एक मांग रखी, आपको मैंने पहले भी सुना था, आपने एक मांग रखी कि साहब MSP की गारंटी हो, कृषि मंत्री ने लिख के दिया, सरकार ये आश्वस्त करती है कि MSP, उन्होंने कहा था कानून बना दीजिए MSP की गारंटी का, उन्होंने कहा था कानून बना दीजिए MSP की गारंटी का, क्या सरकार तैयार है उसके लिए? सर सरकार की जबान, सरकार का पत्र, प्रधानमंत्री का आश्वासन नहीं है, कृषि मंत्री का आश्वासन, क्या ये शाहनवाज जी इनमें से कोई भी चीज देश की संसद के जरिए नहीं थी, ये भी आप जानते हैं ना अच्छे से, जबकि ये तीन कानून संसद के जरिए। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि MSP पे दादा ने कभी, हनान मुल्ला साहब ने MSP के लिए कौन आंदोलन किया? MSP तो बढ़ती रही है, हमारी सरकार में कभी घट गई हो तो बता दीजिए आप। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के दिल में किसान बसते हैं। शाहनवाज जी MSP बढ़ी इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन इस बात को आप भी मानेंगे कि MSP मिली और मिली तो कितने लोगों को मिली, ये बात भी तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मिली है, कितने लोगों को आप बोलो? 6% लोग को, सिर्फ 6% 94% को नहीं मिलता। मैं झूठ बोल के एक जनता को गुमराह कर देता है। 6% देखिए, नहीं आपका नहीं बोल रहा हूँ, सरकार का जो बोल रहा है 6% को मिलता है, 7% नहीं हुआ। अब बोलिए शाहनवाज जी, 6% से बड़ा नहीं, दीजिए शाहनवाज जी जवाब उनकी बात का। देखिए मैं, बहुत अच्छी आपकी डिबेट है, आपने उनको पूरा मौका दिया है, मैंने कहा ना कि ये तूतू मेमे वाली कोई डिबेट नहीं है, और हनान मुल्ला साहब को मैंने बा अदब कहा है, मैं ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कि नहीं, मैं आपसे इतना नहीं कर रहा। जी मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने पहले दिन से कुछ कमिटमेंट, ऐसा नहीं करना, हमारे प्रधानमंत्री ने, जी अच्छा हाँ दादा आप कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना हनान मुल्ला साहब, मैं इनके साथ टर्म पार्लियामेंट में मेंबर रहा हूँ, तो इस नाते मैं बाअदब कहता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा जो हमारे किसान हैं उनके लिए, उनको पता नहीं होता मौसम के बारे में, उनको पूरी जानकारी देंगे, प्रधानमंत्री ने कहा नीम कोटेड यूरिया देंगे, भले वो दुबे जी जब बोलेंगे तो कहेंगे ये हमने शुरू किया। 5 सेकंड तो MSP सबको मिलने लगी क्या,
यही सवाल तो बार बार उठ रहा है और अगर आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि ना सर एमएसपी सबको मिल रही है ना दुगनी हुई है कमाई, तो उसके बाद अगर किसान सड़क पे बैठा है आंदोलन के लिए आके उसे ये कहकर खारिज कर देना कि ये तो कांग्रेस का किसान है, ये तो लेफ्ट का किसान है, क्या ये जायज है, क्या ये उचित है, ये तो माओवादी है, ये तो खालिस्तानी है। मुझे बस मुझे नहीं नहीं मुझे बोल लीजिए अभय जी, बेचैन हो रहे हैं उसके बाद बोलिए किसान। मैं आप जी जी मैं जानता हूँ अभय जी की पूरी पार्टी बेचैन है आजकल, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं तो ज्यादातर कश्मीर में था एक महीने से उधर, तो किसान की डिबेट एक तरह से मेरी पहली डिबेट है ये, और रोहित सरदाना जी आपके साथ ये दंगल में डिबेट है, इसलिए मुझे 30 सेकंड और इसमें दे दें। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, हमने कहा कि भाई किसान को ही नहीं पता होता क्या बुआई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सॉयल हेल्थ कार्ड पूरे देश में बने, हमने किसान के लिए चिंता की कि नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी भी हमने बढ़ाया कि नहीं हमने। अरे भाई वो बीच में कोई और आवाज आई सर, मैं कह रहा हूं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कमिटमेंट, सरकार का कमिटमेंट, कृषि मंत्री की लिखित में चिट्ठी कि एमएसपी और मंडी खत्म नहीं होगी।